स्वागत में हूँ आपको अपना राजभर राज आपके सामने GT650 मोडिशन दिखाऊंगा। इसके अंदर काफ़ी जबरदस्त वाली जो देखने मिलेगी। सबसे पहले चाबी ऑन करके दिखाता हूँ इसके अंदर क्या हेडलाइट, ये इसकी हेडलाइट लगा दी गई इसके अंदर ओनली फॉर माइनस जो कि मिलते हैं HSG ओरिजिनल, और इसमें हाई लो दोनों पॉइंट्स होते हैं। साथ में आपको मिलता है येलो भी, वाइट भैया ने बंद करा दिया है, अदरवाइज में वाइट भी होता है। अब इसे करते हैं ऑफ और आपको दिखाता हूँ कुछ लेटेस्ट चीज़ जो कि मिलते हैं आपको। तो आपको देखने मिलेगा इसके अंदर ब्रेम्बो किट जो कि लगा दी गई है इसके अंदर। आपका क्लच आपका होता है सॉफ्ट, और इधर आपको मिलता है देख सकते हैं डिस्क वाला जो कि ये भाई पूरा इसका ऑयल कंटेनर जो कि पूरा यहाँ से हटा दिया सेटअप इसका, और पूरा ब्रेम्बो किट लगा दी गई इसका। काफ़ी सॉफ्ट हो गया दोनों चीज़ें, लुक चेकआउट कर लो क्या जबरदस्त है। और इससे ना राइड करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मैंने खुद अपनी इंटरसेप्टर में लगा रखा है, मैं उसको वीडियो जल्दी लाने वाला हूँ, गाड़ी तो मेरी तैयार हो गई है बट वीडियो मैंने बनाई नहीं टाइम ना होने के कारण। तो ये आपने देख लिया ब्रेम्बो किट जो कि इसने लगा दी गई, पूरी पूरी प्रॉपर फिटिंग है, कोई जुगाड़ नहीं, कोई अल्ट्रेशन है इसके अंदर। सिंपली वो हटा और ये लगा दो, ये इसके अंदर किया गया काम। साथ में आपको देखने मिलेगा इसके अंदर एक और चीज़ इंडिकेटर ऑन करते हैं तो आपका मिलता है हैजार्ड, एंड आपको मिलेंगे इंडिकेटर वाले जो सिमटेक ओरिजिनल होते हैं आपके ये, और ये जो लाइट है ना ये भी HSG ओरिजिनल है, लोकल में डील करता ही नहीं है बिल्कुल किस तरीके से। तो ये आपको देखने मिलेगा हैजार्ड के इसके होते हैं 20-30 पैटर्न जो कि आपको देखने मिलते हैं कुछ इस तरीके से। और इधर आपको देखने मिलता है देख सकते हैं ये इसका रेडिएटर गार्ड, ये भी इसके अंदर लगा दिया गया बहुत ही प्रॉपर फिनिशिंग के साथ। और बैक साइड में देखो, पहले बैक साइड आ जाऊँ, इधर आओ, मैं बैक साइड में एक नई चीज़ दिखाता हूँ इसके अंदर, करता हूँ चाबी ऑन। ये देखिए ये है इसकी बैकलाइट जो कि नॉर्मल बैकलाइट को हटा कर लगा दी गई है। चाबी ऑन करते हैं तो कुछ इस तरीके चलती है। अब करते हैं ब्रेक, देखिए ब्रेक पे हो जाता है इसका तेज लाइट। और अब दिखाता हूँ इसके अंदर एक चीज़ और, ये देखिए इंडिकेटर लाऊंगा तो इसके अंदर इंडिकेटर भी आपको शो हो रहा होगा, देख सकते हैं राइट में लेफ्ट में दोनों तरफ मिलेगा आपको इंडिकेटर भी, ये देख सकते हैं। साथ में ना आपको एक चीज़ और दिखाने वाला हूँ, पहले करता हूँ इंडिकेटर ऑन फिर दिखाता हूँ। ये देखिए ये है इसके लेज़र वाले, देखिए लेज़र वाले नीचे देखिए, ऊपर तो आपको देखने मिल ही रही है, साथ में लेज़र वाले है बुलेट इंडिकेटर जो कि ये इसके अंदर लगा दें फुल्ली लेटेस्ट। और ये इंटरसेप्टर के अंदर हमने फर्स्ट लगाए हैं जो कि आपको देखने मिल जाए, आप किसी भी अपनी बाइक के अंदर इजीली इंस्टॉल करा सकते हो इसे हमसे। लुक चेकआउट कर लो क्या जबरदस्त आती है इसकी लगने के बाद, और एक नंबर ऑसम। और अब मैं दिखाने वाला हूँ आपको एक और चीज़, ये देखिए दिस इज़ अ एयर फिल्टर वो कि जो भी जो कि मिलता है आपको इसका ओरिजिनल इंटरसेप्टर और GT का जर्मन K&N का ऑयल फिल्टर इसके एयर फिल्टर इसके अंदर लगा दिए गए हैं। ये होता है परफॉर्मेंस वाला, इसके अंदर साउंड आपको चेकआउट कराता हूँ कैसी आती है स्टार्ट करने के बाद। देखिए साउंड तो इसकी ज़्यादा इंक्रीज नहीं होती है, बट क्या होता है परफॉर्मेंस इसकी बढ़ जाती है इसे लगाने के बाद, जैसे कि BMC हो गया, K&N हो गया, और एक और दो तीन ब्रांड आ गए जिनसे परफॉर्मेंस के लिए होते हैं। और अब मैं दिखाता हूँ इसके अंदर आपको एक चीज़ जो है इसकी लैमिनेशन जो कि देखने मिलेगी स्मोक कलर की, ये इसके अंदर लगा दी गई है, देख सकते हैं लुक कुछ जबरदस्त तरीके से। देखिए ये हटाने का देखो शाइनिंग, देखो शाइनिंग, देखो शाइनिंग, देखो ब्रो शाइनिंग, ये है इसकी शाइनिंग कुछ देखने मिलेगी इस तरीके से, देख सकते हैं लुक जबरदस्त ऑसम, मिस्टर क्लीन को मिस्टर क्लीन बना दिया गया इसे लगने के बाद। और हल्की सी हो गई है ये स्मोक टाइप जो कि लैमिनेशन है, लुक चेकआउट करो, हम कोई जुगाड़ नहीं करते हैं किस तरीके। जो भैया ने पहले लगवाई थी वो क्या था, यहाँ पर कटता देन यहाँ पर कटता, बट हम कट वाला सीन नहीं करते हैं, प्रॉपर काम जो कि मिलता है आपको राजू भाई के पास, मैं हमेशा आपको बताता हूँ। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें, जब भी करवाएं प्रॉपर कराएं, जुगाड़ में कोई फायदा, जुगाड़ में नुकसान आपका होगा हमारा नहीं होगा। और अब मिलाता हूँ मैं भैया से, जिन भैया की ये बाइक है उनको हमारा काम कैसा लगा। तो हेलो ब्रदर, कैसे हैं? और ये बताइए आप कहाँ से हैं और आपको कैसे किसने रिकमेंड कराया है यूट्यूब वीडियो देखी, ये बताएं। नहीं भैया मैं पश्चिम बिहार से आया हुआ था, मेरे दोस्त ने बताया था कि आपके यहाँ पे काम होता तो यहीं पे ले आया आपके पास। तो ऑल अबाउट अब जब काम आपने देखा तो कैसा लगा? नहीं भाई मैं खुश हूँ बहुत, मतलब जो आपने ये सिंगल में किया था ना ये देख के एक्चुअल मज़ा आया। सेक्सी और आप तो कुछ और ही करवा रहे थे यार। एक्चुअली क्या भैया ने ना पहले जो डबल कटिंग अंदर करा रखी थी तो सपना स्टाफ जो लेट हो रहा था वो पता क्या करता भैया ऐसे कर दूँ, तो ध्यान रहे आप ये कभी मत मत बोलने देना, सीधा आप होता है क्या कहना कि भैया आप जो बेस्ट हो वो करो, तो हम वो बेस्ट ही करते हैं जैसे कि भैया ने बोला था कि जैसे हो रहा वैसे करोगे, हमने कहा नहीं गलत है हम इसे करेंगे प्रॉपर जन्म जो हम करते हैं जिस चीज़ के लिए हम जाने जाते हैं। तो भैया मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा ना? बिल्कुल। और हेडलाइट आपने बहुत बड़े मस्त लग रही थी यार, आप पिछली वाली ख़राब थी यार ये, मैं मुझे लगा इसकी बात चल रही है अभी, ये सेक्सी थी पूरी। एक्चुअली क्या हुआ इन्होंने ना लाइट लगा रखी थी लोकल, तो वो भैया को तो पता है, पता क्या आप लोगों को नहीं पता इस चीज़ का ओरिजिनल लोकल क्या है। बिल्कुल आप लोग तो कस्टमर्स हो, आपको क्या है जो जहाँ जिसने सजेस्ट दे दिया कर दो यार, पैसे तो खर्च करने हैं क्या दिक्कत है, लेकिन वो चीज़ आपको पता होनी ज़रूरी है। कभी भी आप ये काम कराते हैं तो यूट्यूब पर सर्च मारिए कि ओरिजिनल क्या होता है,
या फिर गूगल पर सर्च मारिए क्या होता है, क्योंकि पता क्या होता है कुछ चीज़ें आपको नहीं पता बट आप सीख सकते हो, पता क्या जस्ट पता इन्फॉर्मेशन लेने में क्या देखिए, बाइक लिया आपने, अब इतनी महंगी बाइक के अंदर आप थर्ड क्वालिटी चीज़ लगवाओगे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जो कि पड़ रही थी। तो ये चीज़ मैं आपको भी रिकमेंड करूँ, कभी भी आए थोड़ा सा R&D कर आएंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, हमें नहीं फर्क पड़ता, हम तो कहते हैं कि जनमन ही करेंगे, लोकल हम करते ही नहीं हैं, मना करते हैं ही नहीं, पर करेंगे तो जनमन ही करेंगे। तो ऑल अबाउट भैया आज मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, आप कम बोल रहे हो सॉरी उसके लिए, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा ऑल अबाउट, एक नहीं दो नहीं, ऑल अबाउट फुल से सेटिस्फाइड हो या नहीं हो? नहीं यार मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा बट मैं सेटिस्फाइड हूँ, ठीक है, मतलब अगली बार कोई भी काम है मैं आपके पास ही आऊँगा, या कोई दोस्त है मैं किसी को भी कहूँगा यार यहीं पे आना प्लीज़। ऑल इंडिया से अगर कोई हमारा व्यूवर्स जो देख कर आना चाहे तो क्या रिकमेंड है उसके लिए भी? देखो टाइम कभी कभार लग सकता है ज़्यादा बट काम से तुम खुश रहोगे, इट्स हैप्पी। तो थैंक यू सो मच विजिट के लिए कि आपने विजिट किया, और आपको भी अगर आना है तो आपको याद रहना कहाँ पर रहना, आपको आना राजू भाई की शॉप पर जो कि मिलते हैं दिल्ली के करोल बाग नायवेलन के अंदर, लोकेशन बहुत ही इजी है, हनुमान जी की मूर्ति देख लें जब भी आप आते हैं तो बहुत बड़ी सी विशाल मूर्ति है, उसके जस्ट अपोजिट रास्ता जा रहा है जो कि हमारी शॉप के आगे से निकल रहा है गफारो करोल बाग से, हमारी शॉप से जैसे ही आप आएंगे वो हनुमान जी की मूर्ति देखेंगे, फिर अंदर आने के बाद मार्केट में एक मेन रोड पर एक और मूर्ति मिलेगी जो कि मिलेगी हमारी शॉप के बोर्ड पर हनुमान जी की, वो मिलती है आपको राजू भाई की शॉप, तो सिर्फ उस पर ध्यान दो और किसी पर ध्यान मत दे, बाकी ध्यान दोगे तो आपको लॉस होने वाला है, तो अपना लॉस ना करें अपना प्रॉफिट करें, फायदा करें, एडवांटेज लें और बढ़िया सा काम करें राजू भाई की शॉप पर। तो वीडियो चले चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, राजू भाई इस कड़ी को मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, जब तक जय श्री राम, जय मंदिर, गुड बाय।